Hello and welcome to Abhipedia, powered by Abhiman IS. I'm Shahid and we are discussing practice questions for NABARD grade A exam phase 2, right? Already हम पहले तीन सेट कर चुके हैं, तीन सेशन ले चुका हूँ मैं. This is the fourth session in the series. और हम क्या बात करें, we are discussing subjective questions to be attempted for the mains exam or the phase 2 exam of NABARD. चलिए देखते हैं आज क्या questions हैं और let us discuss कि कैसे उनको attempt करना. So this is the question we have. What is स्प्रिंकलर इरीगेशन, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डी मेरिट्स. क्वेश्चन बड़ा है यस, बट आपको कितना लिखना है, यू हैव टू राइट ओनली इन 100 और 150 वर्ड्स, ऐसे याद रख लीजिए. इससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है. कैसे करेंगे ट्राई करके देख लेते हैं. सो क्वेश्चन क्या 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 लिखा है यहाँ पर, दो चीज़ें पूछी हैं. हमेशा याद रखिए, जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. आंसर तो कोई भी लिख लेगा, इफ़ यू के नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आंसर कभी अच्छा नहीं लिखा जाएगा. और हम क्या करते हैं, जनरली इग्नोर, हम क्वेश्चन को समझना भूल जाते हैं. वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट, वी जस्ट रीड द क्वेश्चन और ठीक और लिखना शुरू करते हैं. वट इज बिंग आस्क, ये देखा जाएगा. यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ही इज आस्किंग अबाउट द स्प्रिंकलर इरीगेशन. सो इरीगेशन के देयर नंबर ऑफ मेथड्स, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ माइक्रो इरीगेशन, तो वो बात कर रहे हैं. सो वट इज दिस, सो यू नीड टू एक्सप्लेन दिस, एंड देन ही इज़ आस्किंग द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स. तो सिंपल से दो पार्ट में है, सो डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, और दोनों को क्लब करके लिखेंगे, सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है. अगेन कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ द दिस आंसर. तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, वही मेन बॉडी होगी, तो उसी में इंट्रो हम दे देंगे स्टार्टिंग में, और उसी में क्या दे देंगे, जो कंक्लूडिंग लाइन्स है, कंक्लूजन है, वो उसी में मिक्सअप कर देंगे, कुछ सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं होगी. वही सो चलिए बात करते हो, इसका इंट्रो देंगे, कैसे देंगे, बॉडी के साथ मिक्स करके देते हैं. कि सबसे पहले बॉडी क्या है, इसकी भी बॉडी है ना भाई, यू नीड टू एक्सप्लेन स्प्रिंकलर इरीगेशन. तो स्प्रिंकलर क्या है बताएंगे, एक्सप्लेन कीजिए, और दूसरा एक्सप्लेन कीजिए कि कहाँ के लिए दिस इज सूटेबल. सो है क्या, देखिए दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ माइक्रो इरीगेशन. होता क्या है, इसमें जो वाटर है दैट इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड लाइक द रेन, है ना, तो रेन को रिजेंबल करता है ये. और दूसरा सूटेबल किसके लिए, दिस इज फिट फॉर ऑलमोस्ट एवरी एरिया, चाहे वो प्लेन एरिया है और प्लेन नहीं है. क्योंकि अगर आप बात करें दूसरे इरीगेशन के, लाइक कैनल इरीगेशन है जो आप बर्न्स बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, एरिया, यू नीड टू मेक द एरिया प्रॉपर, है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट करने पड़ेंगे. प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल इज सेड, क्यों की जाएगी. यहाँ पे कुछ भी अगर सॉइल जो है या आपका एरिया कुछ ऐसा सा है, तो चल जाएगा कि यहाँ पे अगर स्प्रिंकल लगा है तो वो क्या करेगा, इट विल कॉज रेनफॉल. कि यहाँ से लगा दिया आपने, जो फाउंटेन सब रेनफॉल कॉज कर देगा हर तरफ. सो इसके लिए क्या, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट इज सूटेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी एरिया एंड ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप. ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप है ना, कुछ के लिए हो सकता नहीं हो, पर हम ऑलमोस्ट लिख सकते हैं. तो दिस इज सेफ साइड. तो अपने दो लाइन में एक तो ये एक्सप्लेन भी कर दिया और साथ में इसका इंट्रो भी दे दिया, क्योंकि उसने स्टार्ट यहाँ से किया है, उसने पूछा व्हाट इज स्प्रिंकलर इरीगेशन, तो इंट्रो प्लस एक बॉडी आपने साथ में दे दी. अब मेन पे आएंगे, क्योंकि मेन बॉडी क्या है, वो पूछ रहा है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स. तो बताएंगे मेरिट्स भी बताएंगे और डीमेरिट्स भी बताएंगे. यहाँ मैंने एक लाइन में सारे लिख दिए हैं, आप उनको वन बाय वन लिख सकते हैं, है ना. हाँ, क्योंकि टाइपिंग करना है आपको, वो वर्ड कैसे काउंट करता है, अगर वो स्पेस को भी काउंट करेगा देन यू नीड टू राइट विदाउट दिस लाइन्स. सिर्फ एक पैरा में लिखना पड़ेगा आपको, विद यूजिंग कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, वैसे कर करके आपको लिखना पड़ेगा. बट यहाँ पे आपको ऐसा है ना कि समझना तो पड़ेगा. अगर वैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे. चलिए, तो मेरिट्स क्या है, इट इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल. हाँ, सिर्फ कहा नहीं है जो हैवी क्ले सॉइल है, क्योंकि क्ले सॉइल में क्या है, जो वाटर है वो परकुलेट नहीं हो पाता है, तो वहाँ के लिए छोड़ के ऑलमोस्ट हर सॉइल के लिए इट इज़ सूटेबल. तो इट्स अ गुड थिंग. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट मेरिट. दूसरा, वाटर सेव होता है यहाँ पे, क्योंकि जब आप कैनल बनाते तो पूरा वाटर फ्लो जो है, एक तो ज़्यादा वाटर हो वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है, और वो चैनलाइज करना पड़ता है आपको पूरे फील्ड में करना पड़ता है. यहाँ पे आपको थोड़े से छोटे से पाइप में उसका वॉल्यूम कम है और स्प्रे हो रहा है, तो आप इफिशेंसी थोड़ी सी रिलेटिवली बढ़ जाती है और यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा है. सो यहाँ पे वाटर सेविंग उस तरह से हो जाती है. थर्ड, जो आपको दूसरी जो अरेंजमेंट करनी पड़ती है, बंस बनाने पड़ते हैं, तो ऐसी कंस्ट्रक्शन जो करनी है टेम्परेरी, यहाँ पे वो कुछ करने का जरूरत नहीं होता है. सिंपल है, एक बार पाइपिंग कर दी गई है, लाइन बिछा दी गई है, फाउंटेन्स में लग गया, तो आपको स्प्रिंकल जो लग गया तो वो इरीगेशन करेगा. सो अगर वो नहीं बचेंगे तो जो छोटे छोटे आप ज़मीन ख़राब कर देते हैं बंस बनाने के लिए, चैनल बनाने के लिए, यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं है. सो यू विल बी सेविंग लैंड. तो ये लिख सकते हैं
नंबर फोर, और जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो यूनिफॉर्म होगा, सो दिस इज़ द फाइव, कि ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा हो गया तो वो फसल वहाँ से ख़राब हो जाएगी और जगह कम है तो वो एरिड वजह से वो ड्राई हो जाएगा, अगर उसको नहीं मिलेगा वाटर तो वो ख़राब हो जाएगी क्रॉप, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सो दीज आर द मेरिट्स, तो पाँच बता दिए, अगर दस दस वर्ड भी लिखोगे तो पाँच 50 वर्ड्स वैसे ही हो जाते हैं, पर मुझे पता है 10 वर्ड्स में नहीं लिखा जाता एक भी पॉइंट, 15-20 वर्ड्स लग जाते हैं। फिर अगर डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स देख सकते हैं क्या है कि इसको सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको सारी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, सारा एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा जहाँ से पानी आएगा, टैंक हो सकता है उसका, फिर उसमें पंप लगाएंगे आप और वो सारी पाइपलाइन बिछाएंगे, तो इनिशियल कॉस्ट इन्वॉल्व है। और हमारे यहाँ पे जो किसान है वो कौन सा है, मार्जिनल किसान है, स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल या स्मॉल फार्मर है, 80% से ज़्यादा वो है हमारे यहाँ पे, सो प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके लिए ये कॉस्ट बियर करना थोड़ा सा दिक्कत है। इफ द टेम्परेचर इज हाई, इफ देयर आर हाई स्पीड विंड्स, अगर ऐसी कंडीशन है दैट इट इज़ नॉट इफिशियंट, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो ड्राइनेस होगी, तो उस टेम्परेचर में जो वाटर वेपर्स हैं इवेपोरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर हाई स्पीड विंड्स चल रही हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरेंगी तो उसको क्या करेंगे, दे विल मूव अवे, उसको उड़ा के ले जाएंगी वो, तो जिस क्रॉप को चाहिए वहाँ वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जो उसका जो वेट होगा, डेंसिटी है वो कम होगी, क्योंकि वो एक छोटी सी ड्रॉपलेट है जो इन द फॉर्म ऑफ रेन क्रॉप्स को मिलेगी, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इफिशियंसी उसकी उस कंडीशंस में कम हो जाएंगी, इसका मतलब जो वो एरियाज है हॉट एरियाज है, हाई टेम्परेचर है और जहाँ पे हाई स्पीड विंड्स चलते, तो वहाँ पे इट इज़ नॉट सूटेबल, इट इज़ नॉट फिट, तो डीमेरिट्स कम है, तो इसका मतलब क्या है, डीमेरिट्स कम है, मेरिट्स ज़्यादा हैं, कॉस्ट है, अगर कॉस्ट एक बार हो गई उसके बाद तो बाद की कॉस्ट कुछ नहीं है, तो बेनिफिट ही बेनिफिट, तो ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द इफ़िशेंट इरीगेशन सिस्टम। और अगर आप छोड़िए कि जहाँ पे प्लेन में तो कुछ और भी लगा सकते हैं, वट अबाउट द हिल एरियाज, वहाँ पे जो है इरीगेशन के जो मीन्स हैं आपके वो लिमिटेड होते हैं, वहाँ पे आप कैनाल्स नहीं बना सकते, वहाँ पे आप दूसरी चीज़ें नहीं लगा सकते, फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे ना पॉन्ड वाला कर सकते हैं और ना ही वहाँ पे वेल जनरली होता है, तो वहाँ क्या कर सकते हैं, जो हिल एरियाज में इसको यूज़ करके वहाँ पे प्रोडक्टिविटी, वहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है, तो ऐसे इसको कंक्लूड करेंगे आप, फाइन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग है, वो डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं है, थोड़ा सा एनालिटिकल होगा ये, है ना। सो यहाँ क्वेश्चन क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्ट्रेस सेल, तो छोटा सा एक वर्ड है डिस्ट्रेस सेल, एक कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा, बट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट, आपको पता है कि डिस्ट्रेस सेल ये होते हैं, दो लाइन में ख़त्म कर देंगे, आई नो दैट, बहुत पढ़ लिया आपने, पर कैसे लिखना है ताकि आपको मार्क्स मिले, ये दिक्कत हो सकती है आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे डिस्ट्रेस सेल होती क्या है। डिस्ट्रेस सेल क्या है, मजबूरी में जिसको सेल करना पड़ता है, क्योंकि जो फार्मर है ही लैक्स क्रेडिट, तो क्या करता है वो, जो उसका प्रोड्यूस है, और दूसरा बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग लाइक स्टोरेज फैसिलिटीज का लैक है, उसको क्या करना पड़ता है, मार्केट में ले जाके बेच नहीं सकता, या उसके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो जो अगर मार्केट दूर है तब वहां वो नहीं ले जा सकता, तो क्या करता है मजबूरी में उसको क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, तो जो ये सेल है दैट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रेस सेल, तो आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर बात आते हैं लिखेंगे क्या मेन बॉडी में, तो पहले आप उसके कॉजेज बताइए कि जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी कमी है हमारे यहाँ पे, पहले तो ये नहीं पता किसान को रेट अच्छा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, तो ये नहीं है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है कि वो जब रेट अच्छा मिलेगा तब सेल करेगा, तो उससे पहले वो क्या करे, स्टोर कर ले, तो स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है, फिर ये सब चीज़ के पीछे क्या है, पैसा, अगर उसके पास पैसा है सस्टेन करने के लिए वो सेल नहीं करेगा, फिर वो अरेंज कुछ और करेगा, पर क्रेडिट का इशू है, तो ये बेसिक से इशू मैंने बता दिए, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ही हैं ये, क्रेडिट, स्टोरेज और मार्केटिंग, दीज आर द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से जिसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है कि उसको लो प्राइस मिलता है सम टाइम्स इवन बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP जिसको कहते हैं, वो भी नहीं मिलता उसको, इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो एक्सपेंसेस हैं मिनिमम वो नहीं पूरे होते, तो ही कैन नॉट मीट बोथ इट्स एंड्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और कई बार उसको क्या करना पड़ता है, चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं ट्रेडर्स को, हाई कमीशन पे करना पड़ जाता है जो एजेंट्स होते हैं, जो मिडिलमैन होते हैं उनको,
और फिर किया क्या जाना चाहिए, फिर आप बताएंगे कि सरकार क्या कर रही है और कैसे इसको किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। उसमें बता सकते हैं अभी क्या कर रही है सरकार, TOP टोमेटो अनियन पोटैटो स्कीम लॉन्च की ना, क्रॉप्स की इनको वेवर किया जा रहा है, उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज कोल्ड चेन वगैरह ये बनाई जा रही है, तो उस तरह से आप बात कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, चीज़ें वही हैं जो आपने बुक्स में पढ़ी, सिर्फ आपको क्या है एक्सप्रेस जो करना है उसका तरीका आपको सीखना पड़ेगा, हाउ टू एक्सप्रेस, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट। देन कम्स द कंक्लूजन, एंड ऑफ द आंसर, एंडिंग कैसे करेंगे कंक्लूडिंग लाइन्स के साथ। सो ये क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द प्लाइट ऑफ इंडियन फार्मर्स, कि इंडियन जो फार्मर्स हैं अब कह लीजिए एग्रीकल्चर है उसकी कंडीशंस ख़राब है, क्यों, क्योंकि फार्मर्स की कंडीशंस ख़राब हैं। तो फार्मर की कंडीशंस क्यों खराब हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, डिस्ट्रेस सेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। तो अगर आपको एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, यू नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम फर्स्ट, ऐसे इसको करके ख़त्म कर देंगे। बस ये सभी का अपना अपना हो सकता है तरीका कि वो कंक्लूड कैसे करना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग फिक्स जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप जैसे चाहें ऐसे उसको कंक्लूड करें, फाइन। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे, बिसाइड्स आई वांट टू जस्ट इन्फॉर्म कि वी हैव लॉन्च्ड टेस्ट सीरीज, दिस इज द कंप्लीट टेस्ट सीरीज, वी हैव इंग्लिश का, वी हैव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज, और जो मॉक है, इट्स काइंड ऑफ मॉक कि जैसे आपको एग्जाम में करना टाइपिंग, तो यहाँ पे आपके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, गो एंड चेक इट आउट, कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आप करके देखिए, जो एग्जाम का फीलिंग लीजिए कि लिखना नहीं है वहाँ पे पेन से, आपको टाइप करना, वो आपको पता होगा। सो बिसाइड्स दैट फॉर ESI एंड ARD वी हैव डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज एज वेल, तो आप जो चाहे ले सकते हैं, और उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जाइए तो चेक कर लीजिए, और आपको इशू आता है यू कैन कॉल अस एट द गिवन नंबर्स। सो थैंक यू सो मच, आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।